नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूं। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2020 और 2019 के रिजल्ट का कंपैरिजन करने वाले हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो बेस्ड होगी कि 2020 का जो रिजल्ट वाइज रैंक थी और 2019 की जो रिजल्ट वाइज रैंक थी उसमें कितना ज्यादा अंतर है। वैसे तो अंतर तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हम लोग कुछ थोड़ी सी चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देखिए, ये हर साल होता आया था। मतलब आप बात अगर करेंगी 2016 से, जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अब नीट की परीक्षा कराई जानी चाहिए पूरे भारतवर्ष में, मेडिकल एंट्रेंस के लिए एक विंडो होनी चाहिए, तो तब से हुआ है कि अनसर्टेनिटीज का दौर शुरू हुआ था। हमको याद है कि 2015 में आखिरी बार AIPMT की परीक्षा कराई गई थी और स्टेट PMTs की। उसके बाद 2016 में जब नीट का पेपर था, उसके 3 दिन पहले कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया, पूरे देश में ये चीज लागू होनी थी कि अब जो परीक्षा होगी वो नीट के अंडर में होगी, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो पूरे ऑल इंडिया में 15% एज वेल एज 85% के लिए एलिजिबल होगा, मतलब उससे एडमिशन लिया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि जो ऑल इंडिया 15% का कोटा होता, तो उस पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीधी नजर रहती थी, उस पे काउंसलिंग में उसका एग्जाम से लेके काउंसलिंग सब कराती थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट। लेकिन जो स्टेट की बातें होती थी, तो सरकार मेरे ख्याल से कोर्ट को स्टेट्स के जो काम करने का तरीका था उससे जो कोर्ट था वो सहमत नहीं होता था मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारा पेपर लीक जैसी सिचुएशंस होती थी। स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रिफर किया जाता था कुछ लोगों को, ऐसी कुछ संभावनाएं रहती थी। तो अभी भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो गया है बच्चों। अभी भी जब नीट का परीक्षा कराई जाती है तो नीट की एग्जाम खाली कराती है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी, लेकिन उसके हिसाब से रैंकिंग बना के काउंसलिंग तो अभी भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट कराती है, सॉरी अभी भी उस पर काउंसलिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कराती है 85% कोटे के लिए। तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, बस इतना फर्क आ गया कि पेपर लीक होने वाली जो प्रॉब्लम थी स्टेट के पास थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब ये सब चीजें का दिक्कत जो होती है वो कम होती है। अब पावर जितने ज्यादा लोगों को बांटा जाता था उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती थी उस पावर के मिसयूज होने से, लेकिन अब सिंगल विंडो है, ठीक है। तो जैसे 2016 के बाद हम लोग देखते आए हैं कि हर साल का जो रिजल्ट होता था वो अनएक्सपेक्टेड होता था। मतलब पेपर होता था, लोग कुछ और बोलते थे, जो रिजल्ट आता था तो कट ऑफ कुछ और हो जाता था। दो तीन साल से, तीन चार साल से ऐसा हो रहा है। अब तो 2020 का एग्जाम में भी हमको ये देख, लेकिन एक चीज कॉमन रहती थी बच्चों उस टाइम, शुरुआत में जैसे 500 से 550, 450, 550, इसमें जो होते थे वो कई सारे बच्चे होते थे, लेकिन जैसे आप 650 से ऊपर जाते थे रैंक आपकी बहुत ज्यादा कम होने लगती थी। मतलब 650 से 700 तक बहुत ही ज्यादा कम बच्चे होते थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ। इस बार 650 नंबर पे हम लोग देख सकते हैं 3786 बच्चे हैं, 3786 बच्चे 650 मार्क्स के ऊपर हैं। लेकिन वही 2019 में जिसका भी कट ऑफ बहुत हाई गया था, एक्चुअली में इतना नहीं जाता है, तो उसमें 650 के ऊपर मात्र 930 बच्चे थे। और अगर उससे पहले की बात करें बच्चों, तो 700 नंबर ही कोई नहीं पाया था अब तक। तो जो 650 से 700 के बीच की रेंज होती थी उसमें गिने चुने 25-30 बच्चों से ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन पूरा सिनेरियो चेंज गया है। एक अब नया बेंचमार्क स्थापित होगा मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कि अब 550 और 560 नंबर नहीं पाना है, अब हमको उस रैंक को टच करना है, हमको इंडिया में उस रैंक तक जाना है जिसके अंडर में हमको ऑल इंडिया 15% में भी कॉलेज मिले और 85% में भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज मैं बता देता हूं, 720 मार्क्स 2020 में दो बच्चों का मेल आया है। फर्स्ट रैंक जो है वो 720 मार्क्स पे है, तो टोटल दो बच्चे 720 मार्क्स पे हैं। एक हमारे
एक जो लड़का है उसकी फर्स्ट रैंक है और दूसरी एक लड़की है, लेकिन लड़के को फर्स्ट रैंक इसलिए दिया गया है क्योंकि उसकी एज ज्यादा है, लड़की की एज हमारी कम है, ठीक है। तो इसीलिए लड़की को उतना हाइप नहीं मिल पा रहा देश में, वो भी 720 में से 720 लाई है, कम एज में लेके आई है, जिसकी वजह से उसको सेकेंड रैंक दिया गया। पर दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो लड़की हो, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है नीट में। अब बस एज डिफरेंस होने की वजह से किसी को फर्स्ट रैंक दे दी गई, किसी को सेकेंड रैंक दे दी गई। ये सेम वही कंडीशन है जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था 2019 का, जिसमें बाउंड्रीज के आधार पर फैसला सुना दिया गया था मैच का। दोनों टीमें बराबर खेली थी, दोनों टीमें उसी स्पिरिट से खेली थी, लेकिन अब जो नियम होता है, अब नियम को हम एक बार ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अब जो नियम बना दिया गया है कि जो अगर टाई ब्रेकर होता है तो उसमें जिसकी एज ज्यादा, पहले तो ये सब देखते हैं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स में नंबर किसके ज्यादा। अरे भाई, जब 720 में 720 है तो सबके नंबर बाकियों में तो बराबर ही होंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही एक फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर लास्ट में आता है कि कौन किसकी एज ज्यादा है। तो यही कुछ 2019 के वर्ल्ड कप जैसा मामला था, ऐसे ही फैसला करना था। तो जो पुराने टाइम में बनाए गए नियम थे उसी के आधार पर किसी को फर्स्ट रैंक दे दी गई, किसी को सेकंड रैंक दे दी गई। वैसे दोनों ने बहुत अच्छा किया, ये बहुत गर्व की बात है दोनों के लिए, दोनों ही एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन 2019 में तो कोई नहीं था 720 पे। अब बात करते हैं 701 नंबर, 701 नंबर में 2019 में फर्स्ट रैंकर था, मतलब 2019 में पहली बार कोई 700 नंबर के ऊपर पहुंचा था, ठीक है। उससे पहले जो टॉपर होता था वो 695 ऐसे ही मार्क्स पे रहते थे टॉपर। 2019 में पहली बार कोई 700 प्लस में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट का एक लड़का फर्स्ट रैंक लाया जिसकी 700 से ज्यादा मार्क्स थे, ठीक है। अब बात करते हैं 695 मार्क्स पे, तो 695 मार्क्स में 2019 में 5 से 9 रैंक तक थी, मतलब 5th, 6th, 7th, 8th, 9th इतनी रैंक थी, कितने पे, 695 में, इसी रेंज में रैंक्स थी आपका 2019 में। लेकिन 2020 में बच्चों 695 नंबर में, 695 नंबर तक आपके 170 बच्चे हैं, मतलब 695 से 720 के बीच में टोटल बच्चे हैं 170। सोच सकते हैं आप कितने ज्यादा, मतलब 25 नंबर के अंदर, 25 मार्क्स के अंदर 170 बच्चे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों 665 मार्क्स पे, तो 2019 में 345 बच्चे ऐसे थे जो 665 मार्क्स के ऊपर थे, लेकिन इस साल 1779 बच्चे हैं जो 665 और 720 मार्क्स के अंदर हैं। सोच सकते हैं आप कितने ज्यादा बच्चे इस बार ऊपर के भी नंबरों पे इतने इतने ज्यादा बच्चे हैं। बात करते हैं 650 नंबर, जो आज से 2 साल पहले एक अनअचीवेबल टारगेट माना जाता था, जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे होते थे सिर्फ वही अचीव कर पाते थे। लेकिन अब मैं आपको सिनेरियो दिखा रहा हूं, 650 नंबर 2019 में 930 बच्चे इसके ऊपर थे, ठीक है, 650 के। इस साल 3786 बच्चे इस रैंक के ऊपर हैं। बच्चों मैं आपको 2015 की बात बता रहा हूं, 2015 में 510 या 520 नंबर तक ये रैंक हम अचीव कर लेते थे, 520 नंबर रहते थे, 3786 रैंक हम अचीव कर लेते थे। लेकिन अब 650 नंबर में 3786 रैंक हो रही है और 930 बच्चे थे 2019 में। बात करते हैं 620 नंबर, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता था आज से 2 साल पहले, और 620 नंबर पे 2 साल पहले भी 3900 बच्चे थे, ये भी अचानक से शिफ्ट हुआ था। 620 मार्क्स से पहले 3900 बच्चे थे 2019 में, इस साल है 11500 बच्चे, मतलब 620 नंबर, 100 नंबर के अंदर, मात्र 100 नंबर, 620 से 720 100 नंबर हुआ ना, 100 नंबर के अंदर 11500 बच्चे इस साल नीट में हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं 610 मार्क्स पे, 610 मार्क्स पे पिछले साल 2019 में टोटल 5600 बच्चे थे, कहीं भी ऑल इंडिया में उनको कॉलेज मिल जाता, किसी भी स्टेट में, मतलब टॉप के कॉलेजेस की बात नहीं करता, उनको ऑल इंडिया 15% में भी मिल जाता और 85% में भी, वो चाहे किसी भी स्टेट के होते। लेकिन इस बार 610 मार्क्स पे 15000 बच्चे हैं। हो सकता है कि राजस्थान के जो बच्चे 610 मार्क्स लाए हों उनको इस साल अपने
आपने 85% स्टेट कोटे में सीट ना मिल पाए, ठीक है, ये भी चांसेस हैं अभी, लेकिन अभी वो तो सीटें बढ़ी हैं, तो रिजल्ट आने पे एग्जैक्टली स्टेट की रैंकिंग आने पे एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बात करते हैं 599 मार्क्स पे, 599 पे 2019 में 7900 बच्चे थे, इस साल इसके अंदर 20,000 बच्चे हैं। 2019 में 599 नंबर आने पे आपका सिलेक्शन तय था, चाहे स्टेट कोटे में चाहे नेशनल कोटे में, लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें 599 नंबर पे इस साल सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। कुछ लोग बोलते थे इस साल का कट ऑफ 630 जाएगा, 640 जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। 600 मैक्सिमम स्टेट्स का, जो बहुत अच्छे बहुत ज्यादा टॉप के मेडिकल कॉलेज जहां है, वहां का कट ऑफ 610-620 के बीच में रहेगा। ऑल इंडिया का कट ऑफ 605 से 610 के बीच में रहेगा, और कुछ जो छोटे स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम वगैरह, इनका तो अभी भी 480-490 यही कट ऑफ रहने वाला है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का 600-605-610 ऐसे कट ऑफ रहने वाला है। तो बच्चों पेपर का लेवल तो देखिए इस बार बहुत गिरा था, और सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज ये हुई इस बार कि पहले होता था कि ये 450-580 तक बहुत सारे बच्चे होते थे, और जैसे ही आप 580 या 600 के ऊपर जाते थे, जैसे ही हम 600 के ऊपर जाते थे वैसे बच्चे बहुत कम हो जाते थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ। इस बार आप 600 के ऊपर 700 पे ही बढ़ाई साहब, 670-670-695 के ऊपर ही 170-170 बच्चे हैं। तो इस साल का रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा, एक नया बेंच मार्क सेट होगा यहाँ पे मेडिकल प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को अब माइंडसेट अपना चेंज करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अब उतनी इंपॉर्टेंस प्ले करती है, आपको बस इतना एम रखना है कि आपको नीट में तीनों सब्जेक्ट में 99% के ऊपर मार्क्स सिक्योर करने हैं। अब परसेंटाइल क्या होता है हम लोग अपने वीडियो में एक वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीट शास्त्र से जुड़े, क्योंकि हम सारे अपडेट सारे लेसन हम सब यहां पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।